तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में अ लार्ज सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड स्मॉल सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, एक बड़ा कॉइल है एक छोटा कॉइल है कैपिटल आर स्मॉल आर, आर पुट इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर, एक के अंदर एक डाल रखे हैं। इफ कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल टू 1 mH, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कैपिटल एम गिवन है, बताओ कितना फ्लक्स लिंक किया गया लार्ज कॉइल के साथ जब करंट 0.5 एम्पियर फ्लो किया छोटे कॉइल में। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, छोटे में करंट है बड़े का फ्लक्स है, तो एक कॉइल में करंट है दूसरे कॉइल का फ्लक्स है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम पता है, करंट पता है, फ्लक्स क्या होगा पड़ोस की कॉइल का एम आई, आंसर कुछ भी नहीं करना एम इंटू आई कर देना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल इफ अ करंट चेंज ऑफ 6 एम्पियर इन वन कॉइल चेंजेस फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल ऑफ 2000 टर्न टू चेंज बाय इतने वेबर पर टर्न। तो क्या कह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है, मतलब एम निकालना है। करंट चेंज ऑफ 6 एम्पियर इन वन कॉइल, तो पहली कॉइल में करंट पता है, फ्लक्स किसका चेंज होगा सेकेंड कॉइल का, सेकेंड कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पता है, सेकेंड कॉइल का फ्लक्स कितना चेंज होगा इतना लेकिन पर टर्न। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं फाइज एम आई, फाइज जो फ्लक्स होता है वो टोटल फ्लक्स होता है पर टर्न नहीं होता, तो पहला काम क्या करेंगे जो फ्लक्स गिवन है पर टर्न उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स को यहाँ पुट करेंगे करंट पता है तो एम आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक।